नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल टारगेट विद आलोक ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग आर ओ आर ओ के बैच के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये एक ऐसे बैच की तैयारी कर रहे हैं जिस बैच में हम लोगों ने फिर से एक सफल रणनीति बनाने की कोशिश की है और लगभग काफी हद तक बन भी गई है। उसी के तहत आपने मेरे साथ पिछले क्लास में शासन के स्वरूप की के बारे में प्रावधान देखा था, उसका वर्णन देखा था कि शासन के स्वरूप क्या है और कैसे शासन का स्वरूप निर्धारित करता है कि किसी देश में संविधान का स्वरूप कैसा होगा। क्लियर है? देखिए, हमने आर ओ आर ओ के बीच में जो पहले क्लास ली थी उसके अलावा एक बार फिर से आपसे चर्चा करूं कि हमारे इस बैच में प्रवेश की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। आप व्हाट्सएप का नंबर है 7394926623, इसके माध्यम से आप अगर एंट्री लेना चाहें तो इससे संपर्क करके आप अपनी बातों को रख सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए आपको और भी जानकारी चाहिए, और भी जानकारी लेनी है, तो आप हमें इन नंबरों पर डायरेक्ट कॉल करके हमारी कोचिंग में संपर्क कर सकते हैं और वहां से अत्यधिक जानकारी, जो आपके डाउट्स हो, उनको क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि नीचे आपको वीडियो के नीचे एक लिंक दिखाई दे रहा होगा, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक चल रहा है, उस लिंक पर भी आप क्या कर सकते हैं, उस लिंक को आप, उस डिस्क्रिप्शन को लिंक करके आप अपने लिए फ्री निशुल्क टेलीग्राम को भी देख सकते हैं, पा सकते हैं। इसलिए आरओ एआरओ का जो बैच आरंभ हुआ है उसमें ये नंबर्स आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इन नंबरों पर संपर्क करके आप अपनी सारी बातों की जानकारी रख सकते हैं। शासन का जो स्वरूप है हमने पिछली क्लास में देखा था, एकात्मक शासन और संघात्मक शासन। अर्थात हमने शासन के स्वरूप में पिछली क्लास में संघात्मक शासन को देखा था और एकात्मक शासन के बारे में वर्णन किया था। आइए इसके आगे को देखते हैं, लेकिन इसमें हमने जिन बातों को समझा था वो समझिए। संघात्मक शासन व्यवस्था माना जाता है, जैसा हमने पहले बताया, कि वो लगभग बड़े देशों के लिए मुख्यतः ये कहां कार्य करता है, बड़े देशों में जैसे अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ऐसी जगहों पर संघात्मक शासन व्यवस्था कार्य करता है। ये शासन का कठोर स्वरूप होता है, अर्थात कठोर संविधान पाया जाता है। इसके अलावा यह व्यवस्था केंद्र और राज्यों में शक्ति पृथककरण पर आधारित होता है। ऐसी शासन व्यवस्था में एक सर्वोच्च और निष्पक्ष न्यायपालिका पाई जाती है। हमने ये पढ़ा था पिछली क्लास में। ऐसी शासन व्यवस्था में सर्वोच्च और निष्पक्ष न्यायपालिका पाई जाती है। अब देखिए, हम देखते हैं एकात्मक शासन प्रणाली ये क्या करता है। तो ये एक तरीके से लचीले संविधान का प्रावधान देता है। इसमें लचीला संविधान पाया जाता है। यह मुख्यतः छोटे देशों पर लागू होता है। इसमें केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का जो पृथककरण है वो ना होकर शक्तियों का एकीकरण होता है। किसमें? एकात्मक शासन प्रणाली में। और यहां पे एक चीज जान लीजिएगा, यहां पर संसद सर्वोच्च और निष्पक्ष होती है।
संघात्मक शासन व्यवस्था में हमने बताया था न्यायपालिका सर्वोच्च और निष्पक्ष होती है, एकात्मक शासन प्रणाली में संसद सर्वोच्च और निष्पक्ष होती है। क्लियर है यहां तक? अब देखिए, आज बात करते हैं हम दो शासन के स्वरूप की, परिसंघात्मक शासन व्यवस्था और अर्धसंघात्मक शासन व्यवस्था। परिसंघात्मक शासन व्यवस्था और अर्धसंघात्मक शासन व्यवस्था, इसका मतलब अब हम धीरे धीरे किस संविधान की ओर बढ़ेंगे। तो जैसा पिछले लेक्चर को पढ़ाते समय बहुत से क्वेश्चन मेरे पास आए थे कि मैम भारत का संविधान कैसा है, तो आज हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। आज हम उस पर चर्चा करने वाले हैं, क्या है ये परिसंघात्मक शासन व्यवस्था अर्थात कॉन्फेडरेशन सिस्टम प्रणाली, कॉन्फेडरेशन सिस्टम, इसमें क्या होता है। तो ये चीज समझ लीजिए, आइए एक पहले कहानी समझिए। 1861 से लेकर 1865 तक, 1861 से लेकर 1865 तक संयुक्त राज्य अमेरिका तक जो आज का आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है, ये एक नहीं था, ये एक गणराज्य नहीं था, ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्वतंत्र प्रांतों में विभक्त था। यानी ये क्या था, अलग अलग राज्यों अथवा प्रांतों में विभक्त था। क्लियर है? अब क्या हुआ, जब ये अलग अलग राज्यों और अलग अलग प्रांतों में विभक्त है, तब कोई भी बाह्य सत्ता आती थी और किसी पर भी आक्रमण करके लूटपाट करके चली जाती थी। क्यों? क्योंकि बगल वाले राज्य से बगल वाले राज्य को कोई मतलब नहीं होता था, ये आपस में स्वतंत्र थे। इससे क्या हुआ, धीरे धीरे इन प्रांतों में जो छोटे छोटे गणराज्यों में बटे हुए स्वतंत्र प्रांत हैं, इन प्रांतों में जब लूटपाट बढ़ने लगी, इन लोगों ने सोचा कि ऐसा क्या किया जाए, ऐसा कौन सा समाधान निकाला जाए कि हम बाह्य रूप से तो सुरक्षित रहे, बाह्य रूप से सुरक्षित रहे। इन लोगों ने आपस में मिलकर एक सामान्य उद्देश्य के तहत और सामान्य सुरक्षा के लिए, शब्द समझिएगा मैंने क्या कहा, इन स्वतंत्र प्रांतों ने आपस में मिलकर सामान्य उद्देश्य के लिए और सामान्य सुरक्षा के लिए एक दृढ़ संकल्प ले लिया, एक संविदा कर ली। क्या कर लिया? संविदा कर ली। संविदा को कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। वो कब होता है, तो जब करार आपस में विधिक रूप ले ले, जो करार विधिक रूप ले ले वो संविदा हो जाती है। जैसे मेरा आपके साथ राजनीति शास्त्र पर, पॉलिटी विषय पर चर्चा करना, क्लास लेना आपस में एक करार है, और ये करार कब पूरी हो जाती है, जैसे ही आप कोचिंग की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर देते हैं, वैसे ही आपके और मेरे मध्य एक संविदा बन जाती है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, और उसी के तहत हमें कार्य करना पड़ता है। तो हमने क्या किया, सामान्य उद्देश्य सामान्य सुरक्षा के लिए इन छोटे छोटे प्रांतों ने मिलकर ये कहा कि सामान्य उद्देश्य है क्या,
इन सभी प्रांतों का याद रखिएगा, ये आधुनिक अमेरिका जो बना मैं उसकी कहानी सुना रही हूं आपको। इन सभी प्रांतों ने मिलकर आपस में सामान्य उद्देश्य क्या रखा, अपने संस्कृति की सुरक्षा करना, अपने संस्कृति को सुरक्षित रखना इन सभी छोटे छोटे प्रांतों का। ये 11-12 जो भी प्रांत थे, इन सभी प्रांतों का एकमात्र उद्देश्य था, सबका सामान्य उद्देश्य क्या था, संस्कृति को अपने सुरक्षित रखना और आगे ले जाना निरंतरता में। दूसरा सामान्य सुरक्षा क्या था कि सभी प्रांतों की सुरक्षा बनी रहे कैसे, इन्होंने कहा जब हम अपने आंतरिक मामलों को देखेंगे, मतलब मेरे घर में क्या हो रहा है, मेरे राज्य का संचालन कैसा है, इससे बगल वालों को किसी को मतलब नहीं होगा। बगल के राज्य में क्या हो रहा है मेरा मतलब नहीं होगा, लेकिन मतलब कब होगा, जब बाह्य कोई आक्रमण करेगा तो बाह्य रूप से सबको दिखाने के लिए हम एक हो जाएंगे, बाकी अपने अपने आंतरिक क्षेत्र में हम अलग रहेंगे, बाकी अपने अपने आंतरिक क्षेत्र में हम अलग रहेंगे। आपको यहां लगता नहीं कि प्रांत ज्यादा मजबूत है संघ की अपेक्षा, प्रांत ज्यादा मजबूत है, प्रांत का खंडन नहीं होगा संघ का होगा, क्योंकि कि प्रांतों ने खुद ही संघ को जीवित रखा है। प्रांतों ने कहा जब बाहर से कोई हमें देखे तो वो ये समझे कि हम स्वतंत्र हैं, वो ये समझे कि हम स्वतंत्र हैं और हम लोग बाहर से देखने में एक लगेंगे, और जब बाहरी कोई नहीं होगा तो हम सब लोग अपने आंतरिक मामलों में स्वतंत्र रहेंगे। ये किसने कहा, ये जिन प्रांतों ने कहा वो स्वतंत्र प्रांत थे, और उन्हीं स्वतंत्र प्रांतों ने अपनी स्वतः इच्छा से स्वतंत्रता के साथ ऐसी संकल्प लिया और संविदा बना दिया। क्लियर है? अब ये क्या कहलाए, ये गणराज्य कहलाए, और यही गणराज्य क्या कर रहे हैं, ये जो कार्य कर रहे हैं जिसकी वजह से सामान्य उद्देश्य और सामान्य सुरक्षा सुरक्षित है, इसी को परिसंघ कहा जाता है, इसी को परिसंघ कहा जाता है। क्लियर है? अब आ जाइए, कॉन्फेडरेशन सिस्टम में क्या होता है, स्वतंत्र प्रांतों अथवा राज्यों की इकाइयां स्वतंत्र प्रांतों अथवा प्रांतों की इकाइयां आपस में मिलकर क्या कर रही हैं, सामान्य उद्देश्य और सामान्य सुरक्षा के लिए संविदा कर रही है, सामान्य उद्देश्य और सामान्य सुरक्षा के लिए संविदा कर रही है। और यही संविदा जो हुआ है किसका निर्माण हुआ है, तो यह परिसंघ का निर्माण हुआ है। और ऐसी कंडीशन में जब सामान्य उद्देश्य हो और सामान्य सुरक्षा हो तो याद रखिएगा क्या होता है, ऐसी कंडीशन में एक मजबूत संघ का निर्माण होता है। किसके द्वारा? उस संविदा के द्वारा जो इन प्रांतों ने, जो स्वतंत्र इकाइयां हैं उन इकाइयों ने आपस में मिलकर सामान्य उद्देश्य और सामान्य सुरक्षा के लिए जो संविदा किया है, उस संविदा से एक मजबूत संघ का निर्माण हुआ। यहां तक क्लियर है? और ये क्या है, अब परिसंघ का निर्माण हो रहा है। परिसंघ के प्रांत संघीय प्रांत की अपेक्षा, परिसंघ के प्रांत संघीय प्रांत की अपेक्षा अधिक स्वतंत्र होते हैं। परिसंघ के जो प्रांत हैं संघीय प्रांत की अपेक्षा अधिक स्वतंत्र होते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही तो संविदा के द्वारा एक संघ का निर्माण किया है। यह संघात्मक की तरह नहीं है कि संघ और राज्य एक साथ आए हैं। इन्होंने पहले स्वतंत्र जो प्रांत थे, इन्होंने खुद कहा कि हम लोग अपनी एक
कॉमन कंडीशन को समझ लें और उसी कॉमन कंडीशन के को देखते हुए एक मजबूत संघ का निर्माण कर लें। तो किसने किया है? प्रांतों ने किया है, इसलिए संघीय प्रांतों अथवा संघ के राज्यों की अपेक्षा ज्यादा स्वतंत्र होते हैं। कैसे स्वतंत्र होते हैं? अब ये देखिए, ये ऐसे स्वतंत्र होते हैं कि परिसंघात्मक शासन व्यवस्था में परिसंघात्मक शासन व्यवस्था में प्रांतों अथवा राज्यों को संघ को छोड़ने का अधिकार होता है। अर्थात प्रांत मजबूत कंडीशन में है, और संघ क्या कर रहा है? संघ कमजोर कंडीशन में है, अर्थात केंद्र का अस्तित्व या संघ का अस्तित्व, चाहे संघ कह दीजिए चाहे केंद्र कह दीजिए, केंद्र का अस्तित्व राज्यों अथवा प्रांतों पर निर्भर करता है। संघ अथवा केंद्र का अस्तित्व प्रांतों अथवा राज्यों पर निर्भर करता है, इसका मतलब संघ का विनाश किया जा सकता है, क्यों? क्योंकि प्रांतों की मजबूत इकाइयों ने एक संविदा के द्वारा संघ का निर्माण किया होता है, इसलिए संघ का विनाश किया जा सकता है। किसमें? परिसंघात्मक शासन प्रणाली में। इसका मतलब आप कह सकते हैं केंद्र कमजोर, राज्य मजबूत, इसका मतलब आप इसको एक शब्द दे सकते हैं, क्या? अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ। इसे क्या कहा जा सकता है? परिसंघात्मक शासन प्रणाली को अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ कहा जा सकता है। क्या कहा जाता है? अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ। ये क्या था? ये परिसंघात्मक था। परिसंघ के राज्य अथवा प्रांत संघ के प्रांत या राज्यों से ज्यादा स्वतंत्र होते हैं, वो जब चाहे तब संघ को छोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि संघ राज्य से बना हुआ है, अर्थात केंद्र या संघ पूर्ण रूप से राज्य पर निर्भर करता है, ना कि राज्य संघ पर। इसीलिए इसको कहा जाता है अविनाशी राज्यों का, मतलब राज्य का विनाश नहीं हो सकता। विनाशी संघ मतलब संघ का विनाश किया जा सकता है। क्लियर है? अब चर्चा करते हैं अर्ध संघात्मक शासन प्रणाली और भारत की व्यवस्था की। किसकी चर्चा करते हैं? अर्ध संघात्मक शासन प्रणाली की।
अर्धसंघात्मक अथवा अर्धसंघीय शासन प्रणाली की चर्चा हम लोग करते हैं। अर्धसंघात्मक शासन प्रणाली को अगर समझना है तो पहला ही पॉइंट याद रखिएगा, भारत के संविधान में कहीं भी संघात्मक अथवा संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। भारत के संविधान में संघात्मक अथवा संघ शब्द का कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया है। कहा क्या गया है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है, भारत राज्यों का एक संघ होगा। भारत राज्यों का एक संघ होगा, इसका मतलब संविधान सभा की जो घोषणा है वही कहती है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, अर्थात सारी राज्यों की जो इकाइयां हैं कहीं ना कहीं जाकर संघ में समाहित होंगी। इसलिए संघ क्या होगा? संघ बहुत मजबूत होगा। फिर देखिए, अगर भारत राज्यों का एक संघ होगा, अब उसी पर एक चीज और समझ लीजिए, जब राज्यों का एक संघ होगा इसका मतलब राज्य भी और संघ भी बराबर की स्थिति में होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में समाहित तो होती हैं, इसलिए संघ क्या होगा? संघ मजबूत कंडीशन में होगा। इसी पर केसी वियर ने कहा, केसी वियर ने कहा, भारत का संविधान अर्धसंघीय है, केसी वियर ने क्या कहा? केसी वियर ने कहा भारत का संविधान अर्धसंघात्मक अथवा अर्धसंघीय है। क्यों? क्योंकि भारत ना तो पूर्ण रूप से संघात्मक है ना ही पूर्ण रूप से एकात्मक है। आइवर जेनिंग्स ने क्या कहा, ये सब याद रखिएगा, ये सब आपके शासन व्यवस्था को समझने में कार्य करेंगे। आइवर जेनिंग्स ने कहा, सर आइवर जेनिंग्स, भारतीय संविधान एक ऐसी शासन प्रणाली है, जो केंद्रोन्मुखी प्रवृत्ति को समोहित करती है, ये किसने कहा? ये सर आइवर जेनिंग्स ने कहा। किसने कहा है? सर आइवर जेनिंग्स ने कहा है, यह एक ऐसी शासन प्रणाली है जो केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति है अथवा केंद्रोन्मुखी शासन प्रणाली को समाहित करती है। और केसी वियर ने क्या कहा था? भारतीय संविधान एक अर्धसंघी प्रणाली है। अब देखिए, अगर हम अर्धसंघी प्रणाली की बात करें, तो
एक तरफ हम लिखते हैं एकात्मक शासन प्रणाली, और एक तरफ लिखते हैं संघात्मक शासन प्रणाली। एक तरफ लिखिए एकात्मक शासन प्रणाली और दूसरी तरफ लिखिए संघात्मक शासन प्रणाली। क्लियर है? अब आ जाइए अर्धसंघी शासन प्रणाली को समझते हैं। क्या करते हैं? अर्धसंघी शासन प्रणाली को समझते हैं। एकात्मक शासन प्रणाली क्या है? अर्धसंघी शासन प्रणाली को इस प्रकार समझिए कि अर्धसंघी भारत को क्यों कहा गया, केसी वीयर ने क्यों कहा या सर आइवर जेनिंग्स ने क्यों कहा। फिर आप आगे देखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी कहते हैं भारतीय संविधान को ना तो संघात्मक के तंग ढांचे में ढाला गया है ना ही एकात्मक के तंग ढांचे में ढाला गया है, बल्कि ये दोनों का समन्वय रूप है। कौन कह रहा है ये? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कह रहे हैं। अब देखिए एकात्मक शासन प्रणाली अगर देखना है, इकहरी नागरिकता, इकहरी नागरिकता एक चीज, यानी ये हम कहीं के भी निवासी हो, कहीं के भी नागरिक हो, माने कहां के जाएंगे? माने जाएंगे भारत के नागरिक है। इसका मतलब जो किसको दे रहा है, जो आप एक चीज याद रखिएगा, ये दर्शा रहा है कि आप भारत मात्र भारत के नागरिक है। इसका मतलब राज्य स्वतंत्र नहीं है, संघ में समाहित है। एकल न्यायपालिका, भले ही प्रांतों में कई राज्यों में अलग अलग उच्च न्यायालय स्थापित है, किंतु वो सभी जाकर सर्वोच्च न्यायालय में समाहित हो जाते हैं, इसलिए एकल न्यायपालिका है। दूसरी तरफ आप एक चीज और समझते होंगे, जब बात की जाती है आपातकाल स्थिति की, आपातकालीन स्थिति में राज्यों पर केंद्र का शासन, इसका मतलब सब कुछ किस में समाहित है? संघ में। और ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है एकात्मक शासन प्रणाली। अब देखिए संघात्मक अगर देखना है तो आपको समझ में आएगा भारतीय संविधान लिखित संविधान है, भारतीय संविधान लिखित संविधान है। भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अगर सरल है तो कहीं ना कहीं जटिल भी है, कठोर भी है, लचीला भी है, अर्थात ये मध्य के समन्वय को स्थापित करता है। फिर आप देखेंगे केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा, ये क्या दर्शाता है? यह भारतीय संविधान का संघात्मक स्वरूप दर्शाता है, जो अब तक सर आइवर जेनिंग्स की बातों से आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा एक और चीज आपने देखा होगा, एक सर्वोच्च और निष्पक्ष न्यायपालिका, एक सर्वोच्च और निष्पक्ष न्यायपालिका। ये कैसा स्वरूप है? ये भारतीय संविधान का वो स्वरूप है, जो भारतीय संविधान का ऐसा स्वरूप है जो दर्शाता है कि भारतीय संविधान भले ही कई स्वरूप लिए है, कहीं कहीं वो एकात्मक दिखती है तो कहीं संघात्मक दिखती है। इसका मतलब भारतीय संविधान ना तो पूर्ण रूप से एकात्मक है ना ही पूर्ण रूप से संघात्मक है। तो ये क्या है? ये दोनों की प्रवृत्ति को समाहित करती है। इसी वजह से सर आइवर जेनिंग्स ने कहा कि भले ही भारतीय संविधान किसी भी शासन प्रणाली में दिखती हो, किंतु इसकी प्रवृत्ति हमेशा केंद्रोन्मुखी है। इसका मतलब सब कुछ जाके संघ में समाहित है, इसलिए संघ मजबूत है। ये कारण है कि संघात्मक शासन दिखता है। लेकिन जब हम एकल नागरिकता
न्यायपालिका आपातकालीन स्थिति पे राज्यों की शक्तियां संघ में समाहित दिखती है, राज्यों में राज्यपाल दिखता है, तब हमें समझ में आता है कि भले ही एकात्मक शासन है, संघ मजबूत है, लेकिन एकात्मक शासन के भी स्वरूप दिखाई देते हैं। इसलिए केसी भीयर की ये बात भी सही हो जाती है कि भारत ना तो पूर्ण रूप से एकात्मक है ना ही पूर्ण रूप से संघात्मक है। तो भारत के शासन व्यवस्था को अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की शासन प्रणाली क्या है, तो भारत की शासन प्रणाली पूर्ण रूप से अर्धसंघीय शासन प्रणाली है, जो दोनों शासन के स्वरूप को अपने में समाहित किए हुए है। यही कारण है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि भारतीय संविधान को ना तो संघात्मकता के पूर्ण ढांचे में ढाला गया है, ना ही एकात्मकता के तंग ढांचे में ढाला गया है। इसका मतलब ये दोनों स्वरूपों को समाहित करती है, और ये इसका जो लक्षण है, किसने कहा? अंबेडकर जी ने कहा, जिनकी जयंती हम बहुत खुशी के साथ मनाते हैं। ऐसे बोधिसत्व पुरुष जो भारत रत्न रहे हैं, वो वास्तव में संविधान सभा में बोल भी रहे हैं कि जो भारतीय संविधान का ये लक्षण है, ये कहीं ना कहीं विकास का स्वरूप लिए हुए है, इसमें परिवर्तनशीलता है, और जो परिवर्तन होता है वही क्या होता है, विकासात्मक होता है। इसलिए किसी एक लक्षण में बंधने से अच्छा था दोनों के समन्वय को लेकर राज्यों की भी स्वायत्तता बरकरार रहे और संघ अपनी मजबूती को लेकर भारत का संविधान विकसित करता रहे। तो ये जो शासन प्रणाली के आपने स्वरूप देखे, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। और ये दूसरे क्लास के माध्यम से, दूसरे लेक्चर के माध्यम से हमने शासन के स्वरूप को देखा, जिसमें हमने परिसंघात्मक और अर्धसंघी देखा। तो मुझे उम्मीद है, आशा है कि आपको परिसंघात्मक और अर्धसंघी समझ में आ गया होगा। इसके अलावा भारत की वास्तविक स्थिति क्या है, यह भी समझ में आया होगा। ये बेसिकली मेंस के क्वेश्चन होते हैं जो पूछे जाते हैं। तो ये एक ऐसा टॉपिक था जो हमारे लिए प्री में और मेंस दोनों में इंपॉर्टेंट हो सकता था, इसलिए कोशिश किया गया कि आपको इस लेक्चर के माध्यम से कुछ नई चीज दी जाए। थैंक यू सो मच, आगे यूं ही बने रहिएगा। आरओ यारो का हमारा बैच बहुत बढ़िया जा रहा है, और उम्मीद है कि ये सफल तब बनेगा जब आप उस सफलता के आयाम के तहत हमारे साथ जुड़े होंगे। तो ऐसे ही जुड़े रहे, बने रहे, और आरओ यारो को अपने परीक्षा को हमारे बैच के माध्यम से सफल कराने के लिए संपर्क करें, जैसा मैंने फोन नंबर आपको पहले ही बता दिया है, और हमें लगता है, उम्मीद भी है कि लेक्चर्स आपको समझ में आ रहे हैं। थैंक यू सो मच।